केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की छापेमारी पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की छापेमारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि सीबीआई छापेमारी की अब आदत हो गई है, जांच एजेंसी से मैं नहीं डरता। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के अहंकार के खिलाफ है। लालू ने कहा कि वो जानते हैं कि लालू लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और ये लड़ाई 2019 में उन्हें हटाने के लिए है। जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सीबीआई छापेमारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, हम नरेंद्र मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। लालू ने कहा कि ये सीबीआई की गलती नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो केंद्र में बैठकर जांच एजेंसी को निर्देश दे रहे हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अधिकारी ने लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी बंद कमरे में पूछताछ की, साथ ही लालू आवास से कई कागजात भी जब्त किए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 12 ठिकानों पर शुक्रवार को हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद होटल कारोबारी हर्ष कोचर एक बार फिर चर्चा में हैं। कोचर वही कारोबारी हैं जिन्हें रेल मंत्री रहते हुए लालू ने झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी में रेलवे के दो होटल गलत तरीके से दिए थे। इसके बदले में कोचर ने पटना में 200 करोड़ रुपए की 2 एकड़ से ज्यादा जमीन बेनामी तरीके से डिलाइट मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी थी। तब डिलाइट कंपनी का मालिकाना हक आरजेडी सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता के पास था। बाद में ये कंपनी लालू यादव के दोनों बेटों और पत्नी के नाम कर दी गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई छापेमारी कर सीएम नीतीश कुमार भी नजर बनाए हुए हैं। अस्वस्थता की वजह से राजगीर प्रवास पर गए नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ सीबीआई छापेमारी के बाद आला अधिकारियों और जदयू नेता को राजगीर बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लालू और उनके करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीएम नीतीश को चुप्पी तोड़ने की सलाह देते हुए तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इस मामले में मौनी बाबा बने हुए हैं और उन्हें अपना मौन तोड़ना होगा। सिंह ने आगे कहा कि सच लोगों के सामने आना ही चाहिए। नीतीश कुमार को इस मामले पर बोलना चाहिए कि क्या वो सुशासन चाहते हैं या भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई के छापों के बाद बीजेपी ने आरजेडी चीफ की तुलना एक बोझ उठाने वाले जानवर से की है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बोझ उठाने वाले जानवर को क्या फर्क पड़ता है कि उसके ऊपर 40 किलो का बोझ है या 80 किलो का। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाएगी। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गुरुवार को मीरा कुमार पटना पहुंची। इसके पहले ही सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थता की वजह से एकांत प्रवास पर राजगीर रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के समर्थन को लेकर मीरा कुमार ने कांग्रेस और राजद विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस और राजद के मंत्री सहित कई विधायक मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सहित अन्य राज्यों के विधायकों से मीरा कुमार को समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मीरा कुमार की भारी मतों से जीत होगी।